इस क्वेश्चन में कह रहा है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें बताना है। तो सबसे पहले सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करके बना लेते हैं। ये हो गया। ये हो गया आर वन इक्वल टू 2 ओम। मैं आर वन आर टू ना लिख के डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 ओम 18 वोल्ट, ये 12 वोल्ट 1 ओम। ठीक, ये क्लियर। अब देखो इसके अंदर, देखो इसका धनात्मक सिरा और इस बैटरी का धनात्मक सिरा, ये दोनों आमने सामने, इसका मतलब यहाँ पे जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगी वो होगी 18 माइनस 12। तो तुल्य विद्युत वाहक बल 18 माइनस 12 बराबर 6 वोल्ट। और तुल्य प्रतिरोध हो जाएगी 2 प्लस 1 3, तो आर इक्विवेलेंट इज 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक, अब देखो, अब इस परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी, बड़ी बैटरी वो है तो उसी की तरफ से धारा का प्रवाह होगा। ठीक, तो धारा कितनी हो जाएगी, आई इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध, हो गया 6/3, तो 2 एम्पियर। ठीक ना, 2 एम्पियर की धारा है इसमें। अब देखो हमारा जो वोल्ट मीटर है इन दोनों बैटरी के समांतर में जुड़ा हुआ है, हमारा जो वोल्ट मीटर है वो समांतर में जुड़ा हुआ है। तो अब देखो यहां से करंट बाहर आ रही है, ठीक, इस वाली बैटरी से करंट बाहर आ रही है, मतलब ये जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। ठीक, और डिस्चार्जिंग के केस में उसके सिरों के बीच, बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा, ये बैटरी कितनी थी, E1, E1 माइनस आई आर वन। ठीक है ना, डिस्चार्जिंग के केस में माइनस होता है और चार्जिंग के केस में प्लस होता है। या अगर इस वाली बैटरी के लिए लिख रहे हो तो इसमें देखो करंट अंदर आ रही है, यहाँ से करंट चल के यहाँ अंदर आ रही है। ठीक ना, तो अंदर आ रही है तो ये वाली बैटरी क्या हो रही है, चार्ज। ठीक ना, तो ये चार्जिंग के केस है, तो चार्जिंग के केस में हो जाता है E2 प्लस IR2। चार्जिंग के केस में बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर E+IR होता है। ठीक ना, तो कोई सा भी दोनों में से लगा लो, अगर ऊपर वाली बैटरी लेते हो 18 वोल्ट वाली तो उसके लिए लगाना पड़ेगा V इक्वल टू 18 माइनस 2 इंटू, प्रतिरोध कितना है 2, तो V इक्वल टू 18 माइनस 4, ये गुणा है -4, तो V बराबर 14 वोल्ट। ये क्लियर। अब देखो अगर हम नीचे वाली बैटरी लेते हैं, ये वाली, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइड में कर देते हैं, V बराबर 12 प्लस 2 गुणे 1, तो क्या हो गया, V बराबर 12 प्लस 2, देखो अगेन 14 वोल्ट आ गई। क्लियर,